हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रैक्टिस सेट में। तो इस सेट में जो है हम लोग मेथ्स टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली 8 PM पे। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है 2022 में आपका, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, साइट पर अगर विजिट नहीं करते हैं तो कर लीजिएगा, बहुत सारी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ये जो सीरीज़ है आपका नेक्स्ट लेवल पावर MCQ सीरीज़ है, जो आपका डेली 8 PM पे आता है, मिक्स टाइप के MCQ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों का डाउट था PLC को लेके, स्काडा को लेके, ठीक है, मैटलब को लेके, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी इंक्लूड करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। और एक दो दिन बाद आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। ड्राइंग के क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है, अर्थिंग एंड वायरिंग, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको यहाँ पे इस सीरीज में ऐड हो जाएगा आपका। और एक क्वेश्चन के साथ जो भी क्वेश्चन और भी फैक्ट होंगे वो सब मिल जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन मेरे पास, अगर मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा ड्राइंग का, तो उसे रिलेटेड मान के चलो 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ड्राइंग के हुए, PLC, स्काडा, बहुत सारी जो है एक्टिविटी हैं आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब इस सीरीज में आपका, चाहे PLC, स्काडा हो, मैटलब हो, ऑटो कैड हो सकता है ऑटो कैड ये सब का इंडिविजुअल भी वीडियो हो सकता है दूँ, लेकिन इस सीरीज में भी आपको इंक्लूड हो जाएगा अर्थिंग वायरिंग, ठीक है, जो भी है, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आपका UPPCL में पूछा जा रहा है तो वो सब स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग इजी थोड़ा सा वो रहिएगा, बहुत ही जल्द सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कुछ यहाँ पे देखो मोटर हैं और उनका कुछ अप्लीकेशन है। तो ये तो आपको इजीली पता है, हर एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, जो भी आपके सिंगल फेज जो मोटर है वहाँ से जो भी आपका यूजेज होता है वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका तीसरा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। पहले का यहाँ पे जो होगा वो आपका चौथा होगा। जो हिस्टेरेसिस मोटर है इसका हम यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं, सैडेट पोल का हम यहाँ पे यूज करते हैं फोटो कापी के लिए, और यहाँ पे जो रिलक्टेंस है ये आपका यूज किया जाता है फोनोग्राफ टर्न टेबल के लिए, और यूनिवर्सल जो यूज़ होता है आपका इलेक्ट्रिक सेव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि मान लो यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का यूज़ आप याद रखिएगा। थोड़ा सा एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से। यूनिवर्सल मोटर का यूज़ होता है कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेवर में भी कभी कभी यूज होता है इसका, आपका जो ब्लोअर होता है ब्लोअर में होता है, मिक्सर और ग्राइंडर में होता है आपका, मिक्सर ग्राइंडर में होता है। और एक चीज़ और ध्यान देना, किचन के जो भी उस टाइप के जो उपकरण होते हैं वहाँ पे भी होता है, किचन अप्लायंसेस ये करके पूछता है आपका, किचन अप्लायंसेस, क्योंकि जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वह किचन का ही एक तरीके से पार्ट है आपका, मतलब किचन में ही यूज़ होता है आपका मिक्सर ग्राइंडर। तो आपका यूनिवर्सल मोटर का याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिलक्टेंस मोटर का। तो रिलक्टेंस मोटर का जो है आपका, रिलक्टेंस मोटर जो होता है एक तरीके से कांस्टेंट स्पीड जो होता है ना, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कांस्टेंट स्पीड अप्लाइंस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, कांस्टेंट इस एप्लीकेशन यूज़, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि रिलक्टेंस मोटर का यूज़ हम क्लॉक टाइमर के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद सिग्नल सिग्नल डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है सिग्नल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ किया जाता है फोनोग्राफ टर्न टेबल के लिए, ठीक है। तो रिलक्टेंस आप यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस का, तो
स्टेसिस का ज़्यादातर हम साउंड उनके जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा साउंड साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। और हाई क्वालिटी, जैसे मान लो अगर हाई क्वालिटी मैग्नेटिक या फ्लिप फ्लॉप इस टाइप के भी कुछ अगर देता है तो वहाँ पे भी हिस्टेरेसिस मोटर ही होगा, क्योंकि साउंड उनको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि साउंड उन आपका कम से कम हो। ठीक है, टेली प्रिंटर के लिए यूज़ होता है आपका, एक चीज़ लिख लीजिएगा टेली प्रिंटर्स के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे साउंड, यहाँ पे क्लॉक के लिए भी हिस्टेरेसिस का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पे देखो क्लॉक टाइमर होता है आपका, ठीक है, क्लॉक टाइमर एक तरीके से आपका डिजिटल जो क्लॉक होती है उसके लिए यूज़ होते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो होता है आपका इलेक्ट्रिक क्लॉक होता है आपका, यहाँ पे जो होता है आपका इलेक्ट्रिक क्लॉक यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगला यहाँ पे जो है सेडेड आपका बच रहा है, सेडेड का भी लिख लो। बाकी सेडेड का यहाँ पे सेडेड जो होता है मेनली आपका एग्जॉस्ट फैन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और ठीक है, छोटे मोटे जो कूलिंग पंखा होते हैं ना वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। बाकी आपका खिलौना उलौना के लिए भी यूज़ होता है आपका, ठीक है, प्रोजेक्टर के लिए भी कभी कभी यहाँ पे शेडेड पोल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आजकल छोटा मोटा जो प्रोजेक्टर आ रहा है और उसके लिए भी यूज़ होता है। और आपका एक होता है आपका क्या बोलते हैं, ये एक फ़ोटो कापी की जो मशीनें हैं ना उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फोटो कापी मशीन, तो इसको भी ये सब मतलब एक तरीके से लेटेस्ट जो है आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और सिंक्रोनस टाइमिंग अगर मोटर देता है या सिंक्रोनस क्लॉक देता है, टाइमिंग देता है, तो वहाँ पे भी सेडेट का यूज़ करते हैं, खिलौना के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, और बाकी बस नॉर्मली आपका बस इतना ही है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं आपके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, विच एवर द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इस टाइप के भी है और नॉट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल ही रहा है देखने को। ठीक है, दो तीन स्टेटमेंट दे देगा उसमें से कौन सा सही है, इस टाइप के भी आपको देखने को मिलेगा ही। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिया गया है वी कैन गेट स्पीड जो है वो ग्रेटर देन द सिंक्रोनस स्पीड इफ वी इंजेक्ट ईएमएफ इन द फेज अपोजिशन विद द एग्जाइटिंग रोटर ईएमएफ। यहाँ पे देखो स्पीड कंट्रोल हम लोग करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, जिसे हम बोलते हैं इंजेक्टिंग वोल्टेज इन रोटर सर्किट। इसमें होता क्या है कि रोटर में ही जो है फॉरगेन वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा देते हैं रोटर सर्किट में। और वहाँ पे क्या होता है कि एक तो हमारा जैसे कि मान लो ये हमारे पास जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे मान लो ये आपका थोड़ा सा फिगर बना दूँ आपको, यहाँ पे ये मान लो ये आपका रेजिस्टेंस होता है, ये स्टेटर है आपका, ठीक है, आर वन हुआ और ये आपका रिएक्टेंस है, या मान लो कोई करंट आई वन फ्लो रही है, और ये आपका है एक्स एम, और ये आपका ग्रिड का आई जीरो नो लोड करंट। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये है आपका टोटल, तो यहाँ पे ये आपका E1 होता है। और बाकी बाकी यहाँ पे देखो रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब रोटर, ये आपका रोटर है, ये रोटर हुआ, और यहाँ पे आपका S इंटू रिएक्टेंस, स्लिप डिपेंड करेगा रोटर पे। यहाँ पे मान लो करंट I2 है, डैश फ्लो करा लो, यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा वो भी स्लिप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई लोड है आपका, ये आपका क्या है, लोड है। अब इसी सर्किट में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉरगेन वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगाते हैं, जो आपका एक होता है EF होता है, और इसका खुद का एक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड
और खुद का एक स्लीप डिपेंडेंट रिएक्टेंस, ठीक है, यही जो होता है आपका, इसी बोलते हैं हम लोग। इसे बोलते हैं फार्गन वोल्टेज सोर्स। ये आपका स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है मेनली, ठीक है। तो इसमें देखो होता क्या है ना कि अगर मान लो यहाँ पे हमें जो EF है, ठीक है, अगर ये जो ये मतलब क्या बोलते हैं कि अगर मान लो ये आपका जो EMF इंड्यूस हो रहा है ना रोटर में, उसका जो है आपका SE2 इधर डायरेक्शन है, ठीक है। और फार्गन वोल्टेज सोर्स का भी अगर मान लो डायरेक्शन हम इसी के सेम डायरेक्शन में कंट्रोल करते हैं ना, ये आपको भी सेम डायरेक्शन में रखते हैं, तो रिजल्टेंट जो EMF होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। अब रिजल्टेंट EMF इंक्रीज होगा तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा, करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो होगी ना, तो करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब करंट बढ़ने का मतलब सिंपल बात है कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगा तो हम देखो रेजिस्टेंस से क्या करते हैं, स्लिप को ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे हमारा, उतना ज़्यादा टॉर्क क्या होता है आपका, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है आपका, टॉर्क बढ़ता जाता है। तो सिंपल सी बात है, टॉर्क बढ़ने का मतलब क्या, काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रहा है करंट, यानी रोटर एक तरीके से क्या है, उसकी स्पीड सिंक्रोनस नहीं है, मतलब स्लो स्पीड है, यानी वो स्लिप पे डिपेंड करेगा ना। तो रेजिस्टेंस अगर कम करोगे तो स्लिप क्या होगा आपका, स्लिप भी तो कम होगा ना। तो ये मतलब एक ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखिएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो भाई स्लिप क्या होगा आपका, कम हो जाएगा ना। अब जब स्लिप कम होगा तो आप ही बताओ, जब स्लिप कम होगा मतलब है ना, स्लिप कम होगा तो जो स्पीड होगी रोटर की वो तो आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर मान लो यही चीज़ देखो, यहाँ पे जो फार्गन वोल्टेज सोर्स है ना, सेम डायरेक्शन में करोगे तो रिजल्टेंट EMF बढ़ेगा, करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब करंट के बाद करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, आपका स्लिप भी कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टार्क होता है वो आपका SE2 स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे जब आप रेजिस्टेंस कम होगा तो स्लिप कम हो जाएगा, ठीक है। स्लिप कम होने की वजह से टार्क कम हो जाएगा, और जब टार्क कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि जो टार्क और जो स्पीड होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब टार्क कम होगा तो स्पीड क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, यानी NR की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि यहाँ पे जो स्पीड ग्रेटर देन द सिंक्रोनस स्पीड, मतलब इस कंडीशन में दिया है कि जो स्पीड है वो आपका सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगी, मतलब रोटर की स्पीड यहाँ पे बोल रहा है कि बढ़ जाएगी अगर इंजेक्टेड EMF जो है फेज अपोजिशन में करेंगे तो। ये आपका अपोजिशन नहीं होगा, ये आपका मतलब ये जो मेथड है ये आपका गलत होगा, क्योंकि वो कब बढ़ेगा, जब हम फेज सेम फेज में करेंगे, ठीक है। फेज अपोजिशन का मतलब ये होता है, ये आपका सेम फेज बोल सकते हो इसको, क्या है ये आपका, ये सेम फेज है। अब मान लो अगर फेज अपोजिशन में करना है, ठीक है, फेज अपोजिशन में करना है तो यहाँ पे मान लो SE2 आपका है और फार्गन वोल्टेज इसकी जो डायरेक्शन है उल्टा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो EMF होगा वो आपके क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, यानी करंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्लिप बढ़ जाएगी। अब जब स्लिप बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, टॉर्क बढ़ जाएगा और जो रोटर की स्पीड है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट बस आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस तरीके से जो है पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो आपका दूसरा और तीसरा ही है, ठीक है। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही होगा, ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। देखो यहाँ पे दिया है, दो इंडक्शन मोटर को आर सेड टू बी कुमलेटू कास्केडेड व्हेन टॉर्क प्रोड्यूस बाय इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो इंडक्शन मोटर को जो है कुमलेटू कास्केडेड करते हैं, जो आपका टॉर्क होता है सेमी डायरेक्शन में, तो ये आपका सही है। रोटर रेजिस्टेंस मेथड जो होता है ये इकोनॉमिकल नहीं है, मतलब वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल के लिए, तो यहाँ पे ये भी सही है। देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इस वाले को समझ लो। देखो दो इंडक्शन मोटर है, अगर मान लो कुमुलेटिव कास्केडेड है तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना वो आपका सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये आपका सही दिया गया है। लेकिन इसी में अगर इसी में हम बात करते हैं, अगर मान लो दे मतलब अगर मान लो यहाँ पे जो होता है ना, अगर डिफरेंशियल कास्केडेड है,
डिफरेंशियल कास्केडेड है, तो उस कंडीशन में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बस यही बताना था आपको, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और बाकी ये जो आपका दिया गया है जो रोटर रेजिस्टेंस, हम ये इकोनॉमिकल नहीं है, तो यहाँ पे देखो रोटर तो हम यूज़ करके, मतलब रोटर में रेजिस्टेंस यूज़ करके हम यहाँ पे टार्क को तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कापर ऊपर लॉस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होगा आपका आई स्क्वायर आर का जो कापर लॉस है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा होगा, जिसके वजह से यहाँ पे इफिशियंसी मतलब हीट की प्रॉब्लम हुई ना, जब ज़्यादा हीट होगा तो इफिशियंसी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। तो ये लंबे टाइम तक हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते किसी मोटर के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है, ये उतना इकोनॉमिकल है, इफिशियंसी लो हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा फिलहाल सही है, बाकी पहला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, ये पहला गलत है, दूसरा भी सही है और आपका तीसरा भी सही है। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया, इन द सर्किट शो इन द बिलो डायोड आर आइडियल, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आपको बताना है, ये है आपका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज बताना है। तो यहाँ पे देखो डायोड D1 है और D2 है आपका, देखो डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो कंडक्ट करेगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव या निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये टर्मिनल आपका ये क्या होता है, ये पी और ये एन, तो ये निगेटिव पॉजिटिव यानी क्या है, ये आपका रिवर्स है आपका, ठीक है, ये आपका किस में है, रिवर्स बायस में है, और ये भी जो है ये भी जो है आपका किस में है, आपका रिवर्स बायस में है आपका, ठीक है। तो रिवर्स बायस में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन के जैसे बिहेव करेगा ना, ये भी ओपन हो जाएगा, यानी ये वाली सर्किट पूरी ओपन हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज बचेगा वही सेम आपका बचेगा ना, ठीक है, सेम यही जो है आपका आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो आपका यही बचेगा, कितना 0.5 वोल्टेज। इस वजह से यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। देखो ये आपका यहाँ पे ड्राइव को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, कोई भी एग्जाम आप रिसेंटली देख लो उठा के, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग यहाँ पे ड्राइव का एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, कल नहीं शायद इसी सीरीज में हुआ था, अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। मेन जो ड्रॉबैक होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव का आपको यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत लोग आला दैवक को ट्रिक करके तुक्का मार देंगे, ठीक है, तो नहीं मारिएगा ऐसा, अगर आपको नहीं क्लियर है आला दैवक, बहुत लोग ट्रिक मारते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा हुआ है, आप गलती मत करिएगा कि आला दैवक है तो उसको तुक्का मार दें, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका जो है वो आपका थर्ड वाला होगा। अब जो खुद यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होती है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से आती हैं आपकी, आती क्या हैं, आ सकती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है आपका मेनली जो है, एक तो हमारा दो भाग में जो है ड्राइव होता, मतलब ये इलेक्ट्रिक ड्राइव दो भाग में क्लासिफिकेशन होता है। पहला जो होता है अकॉर्डिंग टू सप्लाई, ठीक है, सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे ड्राइव ड्राइव से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, और उसको आप लोग देख लीजिएगा, जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो कुछ चीज़ें बता ही रहा हूँ मैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, क्योंकि ड्राइव से आप देख लीजिएगा उठा के क्वेश्चन बन ही रहा है आपका। इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है दो टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू सप्लाई, एक तो सप्लाई के अकॉर्डिंग और दूसरा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होता है आपका, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सप्लाई के अकॉर्डिंग दो टाइप के ड्राइव होता है ना, एक होता है हमारे पास AC ड्राइव होता है और दूसरा होता है हमारे पास DC ड्राइव होता है, और एप्लीकेशन के थ्रू तो इजिली आप जान ही रहे हो, ठीक है, इसका होता है आपका इंडिविजुअल ड्राइव होता है आपका, उसके बाद होता है आपका ग्रुप ड्राइव और आपका मल्टी मोटर ड्राइव। अब यहाँ पे देखो जो AC ड्राइव होता है ना, AC ड्राइव होता है ये स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल मोटर होता है, ठीक है। AC जो ड्राइव होता है ये आपका होता है स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल, स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल होता है ये, ज़्यादातर आपका जो AC ड्राइव होता है ना इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये आपका ज़्यादातर
इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो जो आपका एसी ड्राइव होता है ये स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल मोटर होता है, जिसका यूज हम ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ये तरीके से मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है, और लॉन्ग लाइफ है आपका, मेंटेनेंस फ्री है और लॉन्ग लाइफ है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ये जो है आपका मेंटेनेंस फ्री है और लॉन्ग लाइफ है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कुछ चीज़ें, कि नॉट आउट से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इजीली आप यहाँ से कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, स्टेपलेड स्पीड कंट्रोल होता है, मेंटेनेंस जो होता है इसका फ्री होता है, लॉन्ग लाइफ होता है इसी टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें जो है देखो, ज़्यादातर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायरल केज का जो कंडक्शन होता है इजली काफ़ी सिंपल होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्क्वायरल केज मोटर यूज़ करते हैं हम लोग एसी ड्राइव के लिए सबसे ज़्यादा, यही आपका है। तो इंडस्ट्री में आपने देखा भी होगा स्क्वायरल केज ज़्यादा यूज होता है ना। तो यहाँ पे है, और इसका जो वेट होता है ना, सेम पावर रेटिंग पे अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पे इसका वेट होता है वो कम होता है कंपैरिजन टू डीसी ड्राइव। इसका कॉस्ट मतलब कम होता है, इसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, और जो वेट होता है मतलब जो भार होता है ना, वेट ये भी आपका कम हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग डीसी ड्राइव की। तो यहाँ पे जो डीसी ड्राइव होता है ये आपका मेनली यूज़ किया जाता है वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल के लिए, ठीक है, वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं मेनली। इसका यूज ये हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको, हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि डीसी सीरीज मोटर यहाँ पे यूज़ होता है ना, डीसी सीरीज मोटर। तो मेनली आपका जो ट्रैक्शन पर्पज हुआ या स्टील रोलिंग मिल्स, ये सब के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डीसी ड्राइव को, ठीक है। इसका मेनली यूज़ कहाँ पे होता है आपका, स्टील रोलिंग और ट्रैक्शन, ये सब आपका पूछा जाता है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी यहाँ पे जो है इंडिविजुअल ड्राइव के लिए, यहाँ पे देखो एग्जांपल बस मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये सब मैंने बताया था ग्रुप ड्राइव ये सब, ठीक है। इंडिविजुअल ड्राइव जो होता है ये मेनली इसका बस एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे पूछ सकता है। सीलिंग फैन होता है आपका, और ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, सीलिंग फैन और ड्रिलिंग मशीन होता है। ग्रुप ड्राइव जो होता है ये आपका सिंगल मोटर ड्राइव होता है, जिसमें नंबर ऑफ मशीन जो होता है ये कॉमन शाफ्ट के थ्रू बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसका जो होता है आपका क्या बोलते हैं, सिंगल फेज मोटर के लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे हैं ग्रुप ड्राइव के। मल्टी मोटर का यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये होता है क्रेन्स के लिए, ठीक है। और ग्रुप ड्राइव का यूज देखो ज़्यादातर जो भी सेवरल मशीन के लिए भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे टूल्स परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको लिखवाई था। अब यहाँ पे एडवांटेज जो है कुछ यहाँ पे देख लो, क्योंकि यहाँ पे मेन ड्रॉबैक और एडवांटेज से क्वेश्चन बना था। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी, जहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ से बना लीजिएगा। एडवांटेज यहाँ पे जो है, एडवांटेज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव के, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो है हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, एडवांटेज। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ मैं। एडवांटेज में क्या है ना कि इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है आपका, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, और लेस लेस मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, स्पीड कंट्रोल इजी होता है, और स्मूथ भी होता है। ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये आपका नीट है, क्लीन है, और आपका फ्री है, फ्री फ्रॉम स्मोक या फ्लू गैसेस,
स्मोक या फ्लू गैसेस, ठीक है। अगला यहाँ पे है मोर फ्लेक्सिबिलिटी इसकी होती है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और इसका जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो स्पेस रिक्वायर्ड लेस, ठीक है। और अगला एडवांटेज होता है स्टार्टेड इमीडिएटली, स्टार्टेड इमीडिएटली विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, ठीक है। स्टार्टेड इमीडिएटली विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, ठीक है, बिना किसी लॉस के भाई बहुत जल्दी से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे इसकी जो लाइफ होती है, लॉन्गर लाइफ होती है हमारे इलेक्ट्रिक ड्राइव की, ठीक है। तो ये तो एडवांटेज हो गया। अब यहाँ पे जो है इसका डिसएडवांटेज लिख लीजिए, डिसएडवांटेज, इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये जो है आपका अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल हो रही है ना, लिख लो यहाँ पे, अगर मान लो सप्लाई फेल हो रही है तो इस कंडीशन में ये कम स्टॉप, बस इसका यही एक डिसएडवांटेज है जो आपको पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई फेलियर मेक द ड्राइव इज स्टैंड स्टिल। तो यही आपका मेन कमी है, बाकी इसके अंदर कोई कमी नहीं है, बाकी सब इसके एडवांटेज ही हैं। तो क्वेश्चन देखो कितना घुमा के पूछा गया था, ठीक है। और बाकी ये सब लिखवाने का भी पर्पज यही था कि आपको याद रहे एडवांटेज क्या होता है। और मान लो कभी एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव में कंपेरिजन करके पूछेगा, तो बस आपको जो चीज़ें मैं बताया हूँ बस इतना याद रखना, इजिली आपके यहाँ से आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका, इसे अभी तक एडवांस आपका नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग, दिया गया है विद द इंक्रीज इन द रिवर्स बायस आप ये पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स करें, ठीक है। अगर रिवर्स बायस अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, रिवर्स बायस इंक्रीज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, तो जो रिवर्स करंट होगी वो क्या होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, रिमेन कॉन्स्टेंट होगा। इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा मेन जो आपका रीजन था, यहाँ पे क्या पूछा है, रिवर्स करेंट, ठीक है, इनक्रीज द रिवर्स बाय रिवर्स करेंट यहाँ पे आपको पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिवर्स, अगर मान लो रिवर्स बायस में है पीएन जंक्शन, तो थोड़ा बहुत करंट होता है जो लीकेज करंट होता है या सैचुरेशन करंट बोल सकते हो, वो आपका फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ठीक है। और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है ना, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करेंट, ये आपका होता है इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ये जो है अगर मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है, तो ये 2 times इंक्रीज होगा, ठीक है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो आपका 2 times इंक्रीज होगा अगर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। तो वी आई करेक्टरिस्टिक अगर आप यहाँ पे देखते हो इसका, तो यहाँ पे जो है मान लो ये आपका फॉरवर्ड करंट है आपका मिली एम्पियर में, और यहाँ पे आपका फॉरवर्ड वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर लो, यहाँ पे मान लो ये मान लो आपका सिलिकॉन डायोड है और ये मान लो आपका जर्मेनियम है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए कितना होता है आपका किनी वोल्टेज जिसे बोलते हैं 0.7 होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है आपका 0.3, ये आपका नी वोल्टेज है। और यहाँ से जो होता है आपका ये जो पॉइंट होता है ना, ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर आप यहाँ पे रिवर्स बायस बढ़ाते हो ना, तब जाके यहाँ पे जो करंट होगी वो आपकी इंक्रीज होगी। तो इस चीज़ को ध्यान देना, बी वाले ऑप्शन की तरफ मत जाना, ठीक है। इसीलिए बस क्वेश्चन को रखने का मेन यही मेरा वो था, यहाँ पे रिवर्स करेंट पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये नहीं पूछा गया है कि ब्रेकडाउन के बाद
विद द इंक्रीज इन द रिवर्स बायस, रिवर्स बायस बढ़ाते जाएंगे पीएन जंक्शन पीएन डायोड में, तो जो रिवर्स करंट होगी वो रीमन कांस्टेंट होगी। ठीक है, रिवर्स करंट का मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट, यही होता है आपका। ठीक है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है यही है, ये जो डिस्ट यहाँ तक है ये आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है। और ये आपका क्या आता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये लिख लीजिएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाते हो ना ब्रेक डाउन वोल्टेज है, तो उस कंडीशन में जो है आपकी करेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी का बस क्वेश्चन का थोड़ा घुमाने का वो था। तो यहाँ पे भी बहुत लोग गलती कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आप जो है इस टाइप के एरर ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका, ये जो है आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट इतना ही है। बाकी ब्रेक डाउन वोल्टेज से भी ज़्यादा अगर आप क्या बोलते हैं रिवर्स बैट करते हो, तब जाके जो करंट होगी वो काफ़ी इनफाइनाइट बोल सकते हो एक तरीके से, मतलब काफ़ी फास्ट आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बस यही आपका मतलब वो था क्वेश्चन को रखने का मेन, यही आपके यहाँ पे रीज़न था। तो नेक्स्ट चलते हम लोग, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द जस्ट वन सेकेंड, व्हाट इज द इनिशियल ऑपरेटिंग वोल्टेज आपके यहाँ पे पूछा गया है फ्लोरोसेंट लैम्प का। इनिशियल ऑपरेटिंग वोल्टेज मतलब स्टार्टिंग में अगर फ्लोरोसेंट लैम्प को अगर स्टार्ट करना है तो कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज हमें रखना होगा, तो ये हमें रखना होता है 1100 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है 1100 वोल्टेज आपको यहाँ पे रखना होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है कि विच टाइप ऑफ लैम्प वर्क ऑन डीसी सप्लाई, किस टाइप का जो लैम्प होता है वो डीसी सप्लाई पे काम करता है, तो आर्क टाइप का लैम्प होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यूपीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलता है आपका। तो डीसी सप्लाई पे जो होता है वो आपका आर्क लैम्प जो होता है वो आपका काम करता है। अभी देखो यहाँ पे जो क्या है कि आर्क लैम्प फ्लोरोसेंट सोडियम, यहाँ पे देखो यहाँ पे एग्जांपल आपका आता है। ठीक है, आर्क लैम्प या फिर इसका और भी नाम होता है कार्बन आर्क लैम्प, इसका यूजेज काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं हम लोग, सिनेमा प्रोजेक्टर में, फिर आपका फ्लैश कैमरा में यूज़ करते हैं हम लोग, और सर्च लाइट में, सर्च या LIGHT सर्च लाइट में एग्जांपल नहीं क्या बोलते हैं, जो यूजेज है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हर साल देखा गया है कि यूजेज से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो यूजेज को आपको याद रखना है, कार्बन आर्क लैम्प, सिनेमा प्रोजेक्टर, फ्लैश कैमरा और सर्च लाइट के यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हम लोग सोडियम का, यहाँ पे लिख लीजिएगा सोडियम वेपर लैम्प का, ये आपका यूज़ किया जाता है मेनली हाईवे के लिए और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग पार्क के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, रेलवे यार्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, और जनरल आउटडोर लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरल आउटडोर लाइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखो मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी वेपर लैम्प का यहाँ पे ज़्यादातर हम इंडस्ट्रियल लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं शॉपिंग सेंटर पे। ठीक है, शॉपिंग सेंटर पे यूज़ करते हैं हम लोग, और शॉपिंग सेंटर के लिए बस इतना ही है। और आपका सोडियम हो गया, मरकरी हो गया, सोडियम मरकरी आर्क हो गया, एक आपका ये नियॉन का भी यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, नियॉन डिस्चार्ज लैम्प, इसे हम क्या बोलते हैं नाइट लैम्प भी बोलते हैं, नाइट लैम्प भी बोलते हैं, चाहे आपका इंडिकेटर लैम्प में भी यूज़ करते हैं, जो आपका पेचकस जो उसका जो होता है ना उसमें आप इंडिकेटर लाइट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, फिर आपका एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब विज्ञापन के लिए,
ठीक है, विज्ञापन विज्ञापन के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्लोरोसेंट लैम्प का यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो छोटे मोटे स्टोर होते हैं ना आपका, क्या बोलते हैं, रिटेलर, रिटेल स्टोर, ठीक है, रिटेल स्टोर के लिए यूज़ करते हैं, हॉलवेज के लिए यूज़ करते हैं, और आपका ऑफिस ऑफिस में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑफिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इस टाइप के जनरल एनु मैंने, और मान नाम मान लो अगर यहाँ पे जनरल एलुमिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बाकी और भी जितने आपके लैंप होते हैं ना, वहाँ पे उसका क्या बोलते हैं, यूजेज ज़रूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है यूजेज से आपका। तो चलिए हम 10-5 से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अगला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, और यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन है इजिली बन ही रहा है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल से क्वेश्चन बन ही रहा है आपका। तो चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको हम लोग। दिया गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए रजिस्टर हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन देखो, मैंने कल भी मेल्टिंग पॉइंट से कुछ पॉइंट आपके बताए थे, और यहाँ पे भी जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन रखा हुआ है इंसुलेटिंग मटेरियल से, ठीक है। अभी देखो ड्राइंग व्राइंग पेंसिल्स काटा से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस लेवल बनाए रहो, माइक्रो कंट्रोलर हर चीज़ से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस लेवल बनाए रहो आपका। यहाँ पे जो है आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे जो है कार्बन का जो होता है वो आपका 200 डिग्री सेल्सियस होता है, मेटल फिल्म का जो होता है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस होता है, मेटल फिल्म हुआ, उसके बाद एक मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसका 450 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा मेटल ऑक्साइड, इसका लगभग 450 डिग्री होता है आपका, ठीक है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पे पूछा गया था। वायर वन का तो इजीली कम ही होता है आपका, ठीक है, और कार्बन कंपोजिशन का भी कम होता है। तो यहाँ पे देखो वायर वाउंड का यूज़ स्टैंडर्ड के कंपेरिजन में यूज़ करते हैं लो पावर रेटिंग के लिए, कार्बन कंपोजिशन का भी लो पावर रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग वरना कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे क्या पूछा, हाइएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशियंट था ना, इसका आंसर आपका मेटल फिल्म हो जाएगा, ठीक है। इन सबों का काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। वायर वाउंड का काम ये लो पावर रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। मेटल फिल्म का 300 होगा, अगर मेटल ऑक्साइड देगा ना तो सबसे ज़्यादा होगा 450। अभी देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि मान लो पहला है आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो कार्बन फिल्म रजिस्टर है आपका, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है मेटल फिल्म टाइप का कोई रजिस्टर है आपका, और एक हमारे पास है वायर वाउंड रजिस्टर, ठीक है। पहला हमारे पास है कार्बन फिल्म का रजिस्टर है, और दूसरा हमारे पास मेटल फिल्म का रजिस्टर, और लास्ट में है वायर वाउंड का रजिस्टर। यहाँ से देखो नॉट आउट से भी क्वेश्चन बनना होगा, तो इसकी जो साइज होती है ना, साइज होती है इसका स्मॉल होता है, और इसका वेरी स्मॉल होता है साइज, और सबसे बड़ा होता है बिग यानी लार्ज, ठीक है। तो अगर साइज के बारे में बात किया जाए ना, तो जो वायर वाउंड रजिस्टर होता है वो काफी, मतलब साइज उसका काफी बड़ा होता है, ठीक है। मेटल फिल्म का सबसे कम होता है ना, कार्बन का स्मॉल साइज होता है। तो इन दोनों का साइज आपको याद रखना है कि सबसे साइज जो इसका पूछ लेगा तो वायर वाउंड रजिस्टर को आपको लेके चलना है, ठीक है। पावर की कैपेबिलिटी पूछा जाए तो लो पावर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लो पावर के लिए यूज़ होता है ये भी आपका, लो पावर रेटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं इसको भी, और ये जो होता है आपका हाई पावर्स रेटिंग, जहाँ पे आपको, ठीक है, पावर मतलब ये पावर कैपेबिलिटी हाई होती है यहाँ पे। एक्यूरेसी की हम बात करते हैं, एक्यूरेसी इसका लो होता है, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, और इसकी भी एक्यूरेसी हाई होती है, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर कोफिशियंट की बात करें तो ये निगेटिव होता है, और ये आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है आपका, ठीक है। और ये आपका ज़ीरो होता है, लगभग वायर वन जो होता है वो आपका ज़ीरो, जीरो टेम्परेचर, जीरो को टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये जीरो होता है, ये आपका निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी। और ये आपका जो कार्बन है, ये आपका एक तरीके से सेमीकंडक्टर है, तो ये आपका निगेटिव ही होगा, ठीक है। ये मेटल फील्ड में है तो पॉजिटिव निगेटिव होगा आपका, ठीक है। अगर मेटल है तो पॉजिटिव, एलॉय टाइप का अगर यूज़ कर रहे हो तो निगेटिव हो जाएगा आपका। तो फिलहाल चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। और www.electricalcapsule.com को आप लोग विजिट करते रहिएगा, वहाँ पे भी जो है कुछ आपके एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही जल्द यहाँ पे सिंबल आपकी अर्थिंग वायरिंग और पीएलसी स्काडा क्वेश्चन सीरीज इस सीरीज में ऐड हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वो करिएगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ अब देखो इतनी सारी चीज़ें बताने का मतलब भाई टाइम तो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन 5 भी हो रहा है तो उसके साथ अगर बहुत सारे फैक्ट बताने का मतलब, इसलिए आप समझ ही रहे हो ना, टाइम जाएगा। और मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है वीडियो बनाने का कि 4 घंटे का वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। जितना टाइम होता है मेरे पास मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा ही टाइम होता है, तो 1.5 से 2 घंटा में आप इजिली समझ ही रहे हो कि कुछ चीज़ें देखना भी पड़ता है भाई, अगर एक्स्ट्रा देना है तो थोड़ा बहुत बिना देखे हो नहीं पाएगा आपका, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ मेरा 1 घंटे से कम ही रहेगा, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके अकॉर्डिंग ईजिली बस ये टारगेट रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम लोग जो है पीएलसी का माइक्रो कंट्रोलर सब चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है।